आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अनजाने में ही सही मैंने मम्मी का दिल तो दुखाया ना। पूरे 3 साल 8 महीने 11 दिन और 18 घंटे के पल पल का हिसाब रखा, और तू आते ही चला गया वहां। तुम्हारी मम्मी ने चौल खाली करवाने के लिए कोर्ट के थ्रू ये नोटिस भेजा है। अब मैं समझाइए किसने किया? किसने? मामा जी ने। अब हमें मामा जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। धनसुख भाई, ईश्वर की कृपा से धन का बहुत सुख है हमारे यहाँ। देखिए मैंने जो आपको कपड़ा बेचा है ना, वो सूरत का नंबर 1 कपड़ा है। पापा। हाँ बेटे। धनसुख भाई मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ क्या बात है बेटे, बोलो। ये देखिए। ओहो अब ये कितने का बिल है? ये बिल नहीं है, चौल खाली करवाने का नोटिस है। ये देखिए नोटिस। हाँ चाली खाली करवाने का किसने भेजा? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे बेटे तू मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे भी तो अभी अभी पता चला जब तूने बताया। जरूर मुझे लगता है ये कोकी ने ही किया होगा। मम्मी ने? और नहीं तो क्या बेटा, उस दिन तू लंदन से आगे सीधा चाली में चला गया था ना, उस बात को लेकर तुम्हारी मम्मी बहुत गुस्सा हुई। और तुम्हारे मामा का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, आग में घी डालने के लिए तो वो एक्सपर्ट है। उन्होंने ही तुम्हारी मम्मी को उकसाया होगा और तुम्हारी मम्मी ने जल्दबाजी में आकर हमारे वकील मनु भाई के जरिए ये नोटिस भिजवाया होगा। ओह गॉड, मुझे भी मामा पर ही डाउट था। हाँ पता नहीं ये कंस और शकुनी से लेकर रजनीकांत तक सारे के सारे मामा ऐसे क्यों है। इस रजनीकांत मामा को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ और इसमें आप मेरा साथ देंगे? अरे यार दिख रहा है ये भी कोई कहने की बात है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, बोलो क्या करने का है? कुछ खास नहीं, आप मम्मी को संभाल लीजिए और मामा को मैं संभालता हूँ। ले नहीं मैं तुम्हारी मम्मी को मैं नहीं संभाल सकता। पापा घबराइए मत, हमें सिर्फ सीधा साधा घोटाला करना है। लो बोलो, एक तो घोटाला ऊपर से सीधा साधा, वो कैसे? सुनिए मुझे लगता है अपनी चाल तोड़वाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। हाँ देखो ना, उस दिन वो बिल्डर का आदमी भी आया था हमारी जगह देखने। ठीक है उनको बिल्डिंग बनवानी तो बनवाए, कौन मना कर रहा, मगर कम से कम 3-4 महीने का नोटिस तो दे। क्यों हफ्ते भर की नोटिस में चाल खाली करवाना गलत है? बिल्कुल गलत है। वो लोग अच्छी तरह जानता है कि हम लोग यहां रह रहे हैं बरसों से, यहां के लोग, यहां का माहौल, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका हमारा दोनों परिवार का कितना गहरा रिश्ता है। अगर कोई रिश्ता है ना तो चंद्रकांत भाऊ और अमर की वजह से। कोकिला बेन अगर गलती से बाजार में टकरा जाती है ना तो अजनबी के जैसा मुंह फेर के चली जाती है। अरे अमर और चंद्रकांत भाऊ का जो भी रिश्ता है ना सब दिखावा है दिखावा, ये पैसे वाले हैं ना सिर्फ पैसे के ही सगे होते हैं। मुझे लगता है आप लोग सब खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। अरे गणपति बापा एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता भी है, और मेरा अमर पर पूरा भरोसा है, वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। नानी सही कह रही है, औरों को हो ना हो अमर को हमारी फिक्र है। माना अपनी जेब से फकीर है।
रखूं, किधर जा रही है तू? ये तू आजा, अरे जाती किधर है आप? अरे हाँ हाँ, क्या मामा जी, हमारे पास पैसों की कमी है, जो आप 500 रुपए के नोट के पीछे भाग रहे हैं। अगर ये नोट नकली होता ना तो आप तो अंदर। हाँ, अरे पर मैं तो जिंदगी में पहली बार 500 का नोट ऐसे चलते देखा ना, तो उसके पीछे पीछे मैं भी चल दिया। लगा तो थी, नहीं तो तुक्का, ये तो तुक्का हो गया। मगर ये तुम तीनों किधर चले साथ साथ? नहीं नहीं मामा जी, कुछ नहीं। अरे अमर, मामा जी से क्या छुपाना, बता देना इनको। अरे बता ना भाई, बता ना, क्या हुआ, क्या बोल। नहीं नहीं मामा जी, रहने दो। अरे अमर, मामा जी तो घर के आदमी है, इनसे क्या छुपाना, बता दे बता दे। अरे बता ना, एक तो चाहता है तो मैं बता देता हूँ। बोल। आइए मामा जी, क्या है ना कि इन दोनों को धंधा शुरू करना है और उसके लिए एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, पैसा वैसा नहीं, इनके ऐसा एक जोड़ीदार चाहिए जो इनका धंधा संभाल सके, एकदम भरोसेमंद आदमी जो बस सब कुछ संभाल ही ले बिजनेस। अरे पर इनको धंधा किसका करना है ये तो बताओ। अंडों का। अंडे का धंधा? अरे अंडे का फंडा सुना, अंडे का धंधा नहीं सुना है? क्या बात करें मामा, आपको लगता है कि इसमें फायदा नहीं है? तो इसमें फायदा है। अरे बहुत फायदा है, सोचिए सोचिए। कैसे? देखिए, अब ये लोग 100 अंडे खरीदेंगे। खरीदे। 100 अंडे में से 100 मुर्गियां निकली। निकली। अब वो 100 मुर्गियों में से हर मुर्गी कम से कम 10-10 अंडे तो देगी। दिया। तो कितने अंडे हो गए टोटल? 100 × 10 मतलब 1000 हुआ। लो 1000 अंडे हो गए। अब उन 1000 अंडों में से फिर से मुर्गियां निकलेगी। अब वो 1000 मुर्गियां फिर से 10-10 अंडे तो देगी कम से कम। तो कितने अंडे हो गए? 1000 × 10 10000 हुआ। बोलो। मुर्गी, अंडे, अंडे, मुर्गी। अब उसे वहां बेचिए, यहाँ बेचिए। अरे मैं तो कहता हूँ लंदन जाके बेचिए। लंदन जाकर? हाँ मामा, वहाँ इन चीजों की बहुत डिमांड है, लोग 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। मामा मैं तो कहता हूँ इनका जो भी जोड़ीदार बना ना, वो तो रातों रात करोड़पति बना समझो। हाँ, लेकिन इसके लिए भरोसेमंद आदमी भी तो मिलना चाहिए ना, आजकल कितना मुश्किल है ऐसे लोगों का मिलना। ले ले, गोदी में लड़का गांव में ढिंढोरा, हम ये ना। आप? हाँ 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 हाँ, मामा जी ठीक कह रहे हैं, तू औरों की बात क्यों करता है? मामा जी को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना देते हैं, फिर घर के आदमी है। हाँ, वही तो। नहीं नहीं मामा जी, नहीं यार। ये पर, 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 क्यों? मामा जी आप तो ठहरे सीधे साधे आदमी। हाँ वो तो है, पर आप कैसे संभालेंगे मुर्गी का बिजनेस? ले ले, अपना गांव में वो बड़ा सा दुकान था करियाने का, मैंने संभाला कि नहीं। अरे यार मामा जी एक तो घर के आदमी है, ऊपर से इतने एक्सपीरियंस आदमी है, हमें इनके जैसा आदमी और कहाँ मिलेगा। मामा जी को डन करते हैं यार। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग कहते हो तो मामा को पार्टनर बना लेते हैं। ला कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दो। ये लो कॉपी, ये लो पेन। लो मामा अंगूठा मारो। मेरे को क्या अनपढ़ और गवार समझा है? अरे मैं अपने हाथ से साइन करूंगा। क्या बात है मामा, समझ आपकी किस्मत खुल गई। रजनीकांत। मामा हम जरा फार्म हाउस देख के आते हैं, आपसे शाम को मिलते हैं। ओके ओके ओके, बाय मामा जी। अरे बाप रे, अरे तुम तो अभी से रोने लगी। मैं रो कहाँ रही हूँ, मैं तो कांदा काट रही हूँ। मैं भी कमाल हूँ, मैं समझा तुम सचमुच रो। याद है ये फ्रिज हमने कितने में खरीदा था? हाँ हाँ याद है, 15,000 रुपये में खरीदा था, ऊपर से घर तक लाने का 150 रुपया भी दिया था। तो आज की तारीख में अगर हम ये फ्रिज को बेचे तो कम से कम कितने पैसे मिल सकते हैं? ये तो 8-10 हज़ार रुपया मिलेगा। हाँ 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 बराबर है भाई, 8-10 हज़ार तो कम से कम मिलने चाहिए। लेकिन हम ये फ्रिज बेचेंगे क्यों? ओहो, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? उस साले का 30 लाख का कर्जा तो चुकाना है। किस साले का कर्जा चुकाना है? भाई अब मेरे और कितने साले हैं? एक ही तो है, रजनीकांत ने।
और नहीं तो क्या, रजनी ने चाली वालों को यह कहकर 30 लाख लिए हैं कि चाली के मकान वो उनके नाम कर देगा, लेकिन उसके पहले तुमने जो लीगल नोटिस भेज दी, तो अब चाली वालों ने भी हमारे नाम नोटिस भेज दी है कि हमारे 30 लाख वापस लाओ। हाँ मगर मैंने वो नोटिस तो भेज दी ना, नोटिस भेज दी ना, बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। क्योंकि देखो तुम तो जानती हो हमारी शादी को आज इतने साल हो गए, मैंने तुम्हारी एक भी बात कभी टाली नहीं टाली ना, तो ये बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। क्योंकि अब तो ये दुकान बिक जाए, हमारा मकान बिक जाए, लेकिन हम ये चाल तो खाली करवा के ही रहेंगे। जय श्री कृष्ण। रजनी ये क्या किया तूने? क्या किया? ज्यादा भोला मत बन, चाल वालों से 30 लाख रुपया लिया और मुझे बताया तक नहीं। 30 लाख? हाँ हाँ 30 लाख रुपया। अरे कोई ना, तू मेरे साथ मजाक किया है, 30 लाख की बात करती है तू, मैंने 30 पैसा भी नहीं लिया उन लोगों से। एम, तो क्या उन लोगों को पागल कुत्ते ने काटा था जो ऐसी नोटिस भेजी है? उसको कौन काटा ये तो उसको पूछना पड़ेगा ना, मेरे को कैसे मालूम होगा, मगर ये नोटिस का क्या? रजनी मैं तुझे सीधा साधा इंसान समझती थी और तू इतना धोखेबाज निकला। बोल कहाँ रखा है वो 30 लाख रुपया? भाई हम पैसा देखा तक नहीं है, फिर छूना तो बहुत दूर है, तब मेरे को क्यों पूछती है कि 30 लाख मैंने किधर रखा है? अम्मी मुझे लगता है कि उन लोगों की चाल है, हम सबको अभी वहाँ चलना चाहिए और अभी दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। और वैसे भी मेरे मामा पर कोई इल्जाम लगाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्यों मामा चले? मामा कंस की सौगन भांजे, तू मेरे साथ है ना? हाँ हाँ। अपने मामा के साथ है ना? बिल्कुल मामा। चलो। हाँ हाँ चलो 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 चलो। मामा कंस की सौगन बहन, ये सब झूठ बोल रहे, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया है। बस मामा बस, हमें पता था वक्त आने पर आप गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, इसीलिए हमने इन कागजों पर आपसे दस्तखत करवाए थे। ये देखिए आप ही की है ना? हाँ ये दस्तखत मेरे, लेकिन पैसा उधार लेने के लिए ये दस्तखत नहीं किए, मैंने तो धंधे में जोड़ीदार बनने के लिए किए थे, पूछो इससे। धंधा? पैसा धंधा? वो अंडे का धंधा। अंडे का? रजनी तू तो जानता है कि हमारा पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है, तुझे अंडे का धंधा करने का विचार आया कैसे? अरे पर मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को अंडे का धंधा नहीं करना था, अंडे का धंधा ये लोग करने वाले थे, मेरे को तो खाली वो मुर्गी संभालना था, है कि नहीं? अरे पर मेरे को एक मिनट मामा जी, आप मुझे बताइए अंडे का धंधा शुरू करने के लिए कम से कम कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी? 500? अरे 500 छोड़िए, हमारे पास तो 50 क्या 5 अंडे खरीदने के पैसे नहीं है, और आप हमारे साथ धंधा करना चाहते थे, कितना झूठ बोलते हैं मामा जी आप। मामा कंस की सौगंध, मैं झूठ नहीं बोलो, ये सब झूठ बोले, मैंने पैसे नहीं लिए। अच्छा अच्छा इतना झूठ? मामा जी आप पैसे देते या नहीं? मेरे ख्याल से पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, बुलाओ पुलिस को, पकड़ो। अब और कोई रास्ता नहीं है, ये रजनीकांत को बचाने के लिए हमें घर या दुकान बेचना ही पड़ेगा। कुछ करो ना, तुम कुछ करो ना। नहीं फोन पर कितने गप्पे मारता है। हेलो मनु भाई, मैं कोकिला बोल रही हूँ। कोयल नहीं, कोकिला बेन सांघाणी बोल रही हूँ। तुमने वो नोटिस भेजी थी ना चाली खाली करवाने की, वो कैंसिल कर दो, नहीं तो उसे वापस खींच लो। हाँ मेरे को चाली नहीं खाली करवाने की है। देखो कोकी, अब ये नोटिस वापस खींचने से ये मामला हल नहीं होने वाला। चाली वाले को हम लोग को 30 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अरे पर मैंने पैसे लिए नहीं तो चुकाऊंगा किधर से? तू चुप रे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना मकान खाली करवाने का, अब लाकर दे, दे 30 लाख रुपया। अरे पर इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाके देगा? जहाँ रखा है वहीं से लाकर दे, नाक कटवा दी मेरी। अरे जो लोग मेरे सामने नजर उठाकर बात नहीं कर सकते थे, उनके सामने मुझे नजर झुकाकर बात करनी पड़ रही है। मेरी गलती हुई कि तुझे यहाँ रखा? नहीं बहन, गलती मेरा है कि हम इधर में रहा। सबने कितना समझाया था, कितना समझाया था कि छोटा बहन के घर में इतना पाटा जैसा बड़ा भाई अच्छा नहीं, लेकिन मैं इधर में रहने आया, ये गलती मेरा है। और ये भी गलती मेरा है कि हमने तुम्हारा भला चाहा, ये भी मेरा गलती है। और ये भी मेरा गलती है कि तुम्हारा हर बात को मैं पत्थर पर खींची लकीर समझाने, ये मेरा गलती है। और अपनी सारी गलती की सजा मैं भुगतूंगा यहां से जाकर।
के श्री कृष्ण, सबको मेरा आखिरी जय श्री कृष्ण। समझ गया, किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना मामा कंस की सौगंध। एक बात बता देता हूं, इधर से एक बार गया ना तो फिर लौट कर नहीं आऊंगा। जय श्री कृष्ण। ये ले यार, कमाल कर दिया तूने अमर। लंदन से तू डॉक्टर बन के आया है या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके? क्यों, क्या बेवकूफ बनाया मामा जी को तूने? हाँ यार अमर, जानता है अगर सर के ऊपर से छत चली गई होती ना तो मुझे तो मेरे डैडी के साथ गुजरात के किसी छोटे से गांव में जाकर दाल ढोकली का बिजनेस करना पड़ता। थैंक्स यार। हे, ये लड़की आ रही है ना, इसके साथ हम लोग वो बकरी वाला गेम खेलते हैं, चलो। हाँ हाँ यार, आज तो अपने पास कैमरा भी है, बकरी के बहुत अच्छे रिएक्शन आएंगे। क्यों, क्या कहता है अमर? जो ठीक लगे। ठीक है, तुम लोग शूट करो, मैं आया। राधिका, मेरी राधिका। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम राधिका नहीं शीला है। गलत, नाम बदल देने से चेहरे नहीं बदल जाते राधिके। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे गलत फहमी हो रही? तुम कह रही हो कि मुझे गलत फहमी हो रही? अरे जो दिन रात सोते जागते उठते बैठते हर पल तुम्हारा चेहरा अपने चेहरे के सामने देखता रहता है, तुम कह रही हो कि उसे गलत फहमी हो रही है राधिके? पर तुम हो कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुमने मुझे नहीं पहचाना राधिके। मैं तुम्हारा गिरधर हूँ, तुम्हारा गोपाला हूँ, तुम्हारा कृष्णा हूँ, तुम्हारा गोवर्धन, तुम्हारा गोविंदा। तुमने मुझे नहीं पहचाना राधिके। इतने सारे नाम, ये सबके सब नाम तुम्हें तो मुझे दिए मेरी राधिके डार्लिंग। देखिए मिस्टर, मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको नहीं पहचानती। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी राधिके, कि अब तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही? देखो, जिस दिन से तुमने हमारी एंगेजमेंट तोड़ी है ना, उस दिन से मैं ये रिंग अपने साथ में लेके घूमता हूँ। और जानती हो, मैंने सोच के रखा था कि जिस दिन भी तुम मुझे मिल जाओगी ना, मैं तुम्हें रिंग वापस पहना के अपनी एंगेजमेंट वापस तुमसे जोड़ लूंगा। आज तुम्हें ये रिंग पहननी पड़ेगी। लो अपना हाथ दो। स्टॉप इट, छोड़ दो। देखो, अगर तुमने स्टॉप इट वगैरह का नाटक किया ना तो आज मैं अपनी जान ही दे दूंगा। तो दे दो। आजा प्यारे, आजा। आज तो बकरी के साथ साथ बकरे के भी रिएक्शन शॉट्स मिल गए। अरे बंद कर यार इसको। यार एक तो मेरे को थप्पड़ से मेरा गाल लाल हो गया और तुम शूट करने जा रहे हो ये सब। अरे अच्छा हुआ एक थप्पड़ ही पड़ा, अगर सैंडल पड़ गई होती ना तो तेरा सारा का सारा मुंह लाल पड़ जाता। हाँ सास, उड़ा मेरा मजाक, खुश हो ले। तू क्यों नहीं हंस रहा भाई, तू भी हंसना। What happened? तू ठीक तो है? हाँ यार ठीक हूँ, मामा जी के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए होंगे। लेकिन जब तक वो घर नहीं आएंगे ना, तब तक माँ के गले से निवाला नहीं उतरने वाला। पता नहीं कहाँ गया होगा वो, उसके पास पैसे भी तो नहीं है कि ऐसी पकड़ के गांव चला जाए। और गांव गया भी तो कौन रखेगा उसे, हमारे सिवा कोई है भी तो नहीं उसका। ओहो कोकी, अब चिंता करना छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगा वो, अपने आप वापस लौट के आएगा। पापा ठीक कह रहे मम्मी, देखना अमर भाई मामा जी को जरूर लेकर आएंगे। लेकर आएंगे? अरे मैं मामा जी को साथ लेकर आया हूँ। मेरा भाई कहाँ गया था तू? तेरे को मालूम है हम लोग को कितनी चिंता हो रही थी तेरी, कहाँ था इतनी देर तक? एसटी स्टैंड पर चने चबा रहे थे। क्या करता, बहुत जोर से भूख लगी थी ना, और मेरे पास तो जेब में पैसा भी नहीं था गांव के लिए टिकट कटाने का। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, चने चबा कर वापस तो आए। मेरे को माफ कर दे, चाल खाली करने के लिए मैंने तेरे को उकसाया तो मेरे को जो हुआ उसे भूल जा। हा? तो रो मत रजनी, रो मत। हा? हम मकान बेचकर सबके 30 लाख रुपया चुका देंगे। हा? अरे नहीं नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन लोगों से बात कर ली, उनको अभी के अभी पैसे नहीं चाहिए। सच? मेना तो लाओ 101 रुपया। हाँ, सिन्हा जी को जाकर अपने हाथ से मैं भेंट धराता हूँ। नहीं मतलब तू बोले तो, नहीं तो सिन्हा जी को 101 धरा है तो भी क्या, नहीं धरा है तो भी क्या, उसमें क्या। अरे भाई जहाँ जाना है दर्शन करने वहाँ जाना, और हमारे लिए भी कुछ प्रार्थना करना। चलो अभी पहले खाना दो, इतनी जोर से भूख लगी है ना। तेरे को भी बहुत जोर की भूख लगी, वो तो सैंपल के चने मांगे थे तो उससे थोड़े पेट भरेंगे। चल किधर बैठो। अरे बैठ लो उधर तेरी जगह पे, बैठ बैठ। ये
रहे गर्मा गर्म चावल। अरे वाह, अरे रोहन कहाँ है? वो तो खाना खा के कब का सो गया बाबा। मैं देखता हूँ। हेलो, कौन? ए बोलो बोलो, कैसे हो? हाँ एम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले ये बताओ कब आ रहे हो? ओ वाह रे वाह, चौकस चौकस। ए आओ जो, जय श्री कृष्ण। अथड़ा लिख रहा, चा चा चा। डॉक्टर ना पड़ी। ए कोकी, कौन हो? किसका फोन था मालूम है? किसका? आनंद से अपने रमणीक भाई का फोन था। अच्छा, कह रहे थे कि मेहसाणा से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है हमारी अंजू के लिए, और लड़के वाले अमीर है, खानदानी है, है? अच्छा? हाँ, और उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वो लोग अंजू को देखने भी आएंगे। बस कीजिए भगवान के लिए, बस कीजिए। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मगर आज के बाद आप लोगों ने फिर मेरी शादी की बात की ना, तो फिर आप लोग मेरा मरा मुंह देखेंगे। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेगी।